कई और ऐसे मुल्क हैं जो यूक्रेन को सैन्य मदद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा घातक हथियारों की खेप भेजने वाले हैं, जिससे घमासान और ज्यादा विनाशक हो सकता है। जैसे कनाडा, जहां से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पुतिन पर फायर हो गए और उनको क्रूर, खतरनाक और कायरता कह दिया। यही नहीं, कनाडा ने पुतिन के आर्मी अफसरों और बड़े कारोबारियों पर प्रतिबंधों की बौछार भी यहां से कर दी है और साथ ही यूक्रेन को 4 और लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा की है। लेपर्ड टैंकों की खेप यूक्रेन पहुंचनी शुरू हो चुकी है। नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को आधुनिक टैंकों से लैस कर रहे हैं और इस बीच में नाटो सदस्य कनाडा ने शुक्रवार को यूक्रेन को और भी ज्यादा मदद देने की बात दोहराई। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मास्को पर नकेल कसने के लिए नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की। रूस की 139 शख्सियतों पर प्रतिबंध लगेगा। रूस की 63 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़े केमिकल पर प्रतिबंध है। यूक्रेन को 4 और लेपर्ड 2 टैंक भेजे जाएंगे। बख्तरमंद गाड़ियों की नई खेप देंगे। 5,000 राउंड गोलियों की सप्लाई होगी। Provided military training for more than 35,000 members of Ukraine's security forces through Operation Unifier. We've delivered M777 howitzers that have helped Ukraine secure victories in key battles. We've committed over 200 Canadian-made armored vehicles that are helping soldiers defend the border in northern Ukraine. कनाडा से यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं और अभी हथियारों की नई खेप आगे भी रूस से मुकाबला करने में यूक्रेन की सेना की मदद करेगी। कनाडा ने पहले ही 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का वादा किया और ये 4 लेपर्ड 2 टैंक पहले ही पोलैंड पहुंच चुके हैं, जिस पर यूक्रेन के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा कनाडा ने 4 और लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा कर दी है। जाहिर है, मार्च महीने तक जब कनाडा के साथ साथ नाटो के बाकी सदस्य मुल्कों से अत्याधुनिक टैंकों की सप्लाई यूक्रेन पहुंच जाएगी, फिर ये जंग और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। महायुद्ध के एक साल होने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से पुतिन को खरी खोटी सुना रहे हैं और जमकर बरस रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी कनाडा से रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद जारी रहने वाली है। पुतिन इन्वेडेड अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री। He was driven by greed, by cruelty. He was under the illusion that he could overtake Ukraine in a matter of days. Well, 365 days later, Ukraine is still standing strong. 365 days and counting. जिस तरह से पश्चिमी मुल्कों ने अब अत्याधुनिक हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी है, ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में नाटो के सदस्य मुल्कों से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और लंबी दूरी तक हमला करने वाले रॉकेट सिस्टम की सप्लाई भी यूक्रेन पहुंच सकती है।